देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। मेन मार्केट में घरों के बीच नाली विवाद काफी दिनों से चल रहा है। गजेंद्र शर्मा एवं दिनेश कुमार का कहना है कि हमारे घरों का पानी करीबन 15 वर्ष से इसी नाली में को चल रहा था, जिसमें संजय गुप्ता ने नाली को बंद कर दिया है, जिसकी जांच में आज दिनांक 15/12/2019 को नायब तहसीलदार धामपुर के आदेश पर हल्का लेखपाल बलराज सिंह के राजस्व निरीक्षण धर्मेंद्र पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि नाली का पानी नहीं रुकना चाहिए, यह तो गलत है, जिसमें संजय गुप्ता द्वारा मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया गया। जनपद बिजनौर से प्रीतम सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक है। कौन से पोस्ट पर आप? मैं हरेवली। अच्छा, आप जो इस घटना स्थल में आए हुए, जो मामला चल रहा है आपका, किसके आदेश पर आए हुए हैं? तहसीलदार साहब का आदेश है। अच्छा, आपने क्या पाया है यहाँ के? यहाँ के पाया कि नाली में पाइप दबा हुआ है नीचे और वो पानी रुका हुआ है। अच्छा, और दूसरों ने जिनका विवाद उन्होंने न्यायालय में दाखिल कर दिया है उसमें 23 तारीख लगी हुई है। आपके निगाहों में जो अवैध है या वैध है इस समय? अवैध है, पानी तो खुलना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।